Hi friends, welcome to our new channel Study Kingdom. This is Priyanka. आज से हम एक new course start करने जा रहे हैं जिसका नाम है Plant Physiology. Course को start करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये जो course है ये उन सभी students के लिए important है जो plus two में हैं या graduation या फिर किसी भी competitive exams की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CSIR, GATE, MSc Entrance, ICAR, BARC एक्सेट्रा. अब ये तो बात हो गई टारगेट ऑडियंस की कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं. एक और बात, आज के लेक्चर में मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी, मतलब कि इसका एक ओवरव्यू दूंगी कि इस कोर्स में हम किस किस टॉपिक के साथ डील करेंगे और कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. पहले तो इसका मतलब जान लेते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है. प्लांट का मतलब सभी को पता है प्लांट, और फिजियोलॉजी मतलब कि प्लांट के अंदर जो भी उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, उसकी जो प्रोसेसेस होंगी, प्लांट के अंदर कोई भी जो फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी. मतलब कि प्लांट के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होंगी उसकी डिटेल स्टडी को हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. और एक बात हमें ये भी जान लेनी है कि ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है ये किसकी ब्रांच है, ये बॉटनी की ब्रांच है, ठीक है. और हम प्लांट फिजियोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, ओके. और एक बात, जो इसके फादर थे, प्लांट फिजियोलॉजी के फादर को किसको बताया गया है, कौन है वो साइंटिस्ट, स्टेफन हेल्स. मतलब कि स्टेफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी के फादर के नाम से जानते हैं. अब पर्टिकुलरली इसकी जो डेफिनेशन होती है प्लांट फिजियोलॉजी की वो क्या होती है वो देख लेते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है. तो नीचे बताया भी गया है, प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन प्लांट्स. वही बात सेम है जो अभी मैंने आपको बताई कि प्लांट फिजियोलॉजी उस स्टडी को बोलते हैं जहां पे हम प्लांट की पर्टिकुलर फंक्शंस या उसकी प्रोसेसेस जो होती हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं या फिर उसकी जो अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में हम जो डिटेल में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी. आगे ये तो बात कर ले कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है, अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से जो इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे जिसके साथ हम डील करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, वो कौन कौन से हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं. पहला होगा हमारा फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हॉर्मोन्स, फोटो पीरियडिज्म, ट्रांसपिरेशन, फोटोमोर्फोजेनेसिस, ट्रोपिजम्स, नास्टिक मूवमेंट्स. ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बिल्कुल डिटेल में. एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे और ये सभी किसके अंदर हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे. तो आज मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो लास्ट में मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स का फ़ायदा लेना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर चीज़ बिल्कुल सही से करवाई जाएगी. और एक बात, अब अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे जितना पॉसिबल होगा हम करेंगे. सो मिलते हैं अब हम अपने फर्स्ट लेसन के साथ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.